अरे बख्तियार, मैं तुझे बहुत दिन से देख रही। तू चुपचाप दुकान से आवे और चुपचाप बहू के कमरे में घुस जा। यूं भी नहीं पूछता कि माँ तूने खाना खाया नहीं खाया। जरा सी देर माँ के पास तो भी बैठ जाया कर। पूछ लिया कर हमारी तबीयत कैसी है कैसी नहीं है। पूछ लिया कर कि माँ तेरी तबीयत कैसी है। दवाई को भी पूछ लिया कर। और तुझे देख के ही तो मेरे दिल को सुकून मिले। दुआ दे दूँ मैं तुझे। दुआ ले लिया कर जब तक माँ जिंदा है। फिर तो कोई पूछने का भी नहीं भाई। और बेटे कोई किसी का नहीं है आजकल। जेब में जरा सा सुराख खुल जा। रेस गाड़ी से पहले रिश्तेदार गिर जा। अजी अम्मी क्या बताऊं मैं, तुम्हारे पास बैठू वो लुगाई नाराज हो जा रही है, लुगाई के पास बैठू तुम नाराज हो जाओ। मेरा तो सबर का मामला बन गया। चलो जा रहा मैं, कभी वो देख ले खाम खा की कलेश खड़ी कर देगी, कह देगी पता नहीं क्या भड़का रही तुम मुझे। अच्छा ला जा मुंडी टूटे, तू भी मेरा ना हो सका बख्तियार। लुगाई के गुलाम उसके लुगाई के पल्लू में जाके बंध जा जाके। हमारी जैसी औरत यूं ही तो पागल हो जा जी। अब क्या यहाँ अकेली बैठ के दीवारों से टकरे मारू, छतों से बातें करूँ क्या? परिवार के होते हुए भी अकेले जिंदगी गुजर रही मारी तो। फिर कह दे जी मोहल्ले में जाके बुराइये कर रही उस नफीसा से। परिवार के होते हुए भी तनहा जिंदगी गुजर रही जी मारी तो। जी अगर कहीं मोहल्ले में जाके दो बात कर लो अपना टाइम पास कर लू मैं तो घर में फजीते खड़े हो जा जी। पता नहीं क्या कुंचा पड़ जाए इनके। फिर कह दे कि बुराइये करती फिर रही मोहल्ले वालियों से, अब क्या करे बता। ए ऊपर वाले ऐसी जिंदगी से तो बस तू उठा ले मेरे दुश्मनों को ना। लोग लुगाई दोनों फजीते कर दे मेरे कि मैं बुराई करती फिर रही मोहल्ले में। ले बता इस घर में तो मेरा ऐसा बुरा हाल हो गया, ना मेरा पूत ठीक से बात कर रहा ना बहू। मुझे तो इस घर में ऐसी बना दिया जय मैं सोतेली माँ हूँ इनकी। मेरे हरे भरे घर में जो आग लगाई तूने नफीसा, पूछू तेरे से देख हो जा तेरा नास मन हूँ उसका। आज इस नफीसा की ऐसी की तैसी ला है, आज नहीं छोड़नी मैं इस नफीसा को। ला है मेरी चप्पल दे, देख आ रही नफीसा तेरे घर, कमर की पेटी बांध ले, बुढ़ी के कब्र में तो पैर लटक रहे और दूसरों के घर उजाड़ रही, देख आज। नफीसा आओ बाजी आओ, पान लगा रही थी, पान खाएंगे दोनों। बाजी की लगती यहाँ बैठ के गुल छल्ले उड़ा रही, मेरे घर को वहाँ आग में झोंक के यहाँ हाथ सेक रही। क्या आग लगाई तूने मेरी बहू से जरा बताइए। हाय बाजी धीरे बोलो, मेरा बुढ़ा सो रहा अभी तो, वो सोया खा पी के। यूँ बता तूने क्या आग लगाई मेरे घर में। हाय बाजी कैसी बात कर रही, कसम खिलवा लो मेरे बुढ़े की आखिरी सांस से ले रहा वो जो मैंने कुछ कहा हो। तोबा तोबा मैंने कुछ नहीं कहा, देखो तुम्हारी बहू ही कर रही थी तुम्हारी बुराई है। और धीरे बोलो कभी वो सुन ले, 80 साल का हो गया लेकिन आज भी जल्लाद है वो, कभी वो बजा दे हम दोनों पे। चलो आओ दूसरे कमरे में चल रहे, वहां बताऊंगी तुम्हें, पान खिलाऊंगी तुम्हें बढ़िया सा लगा के। पान को छोड़ तू, मैं तो तेरे घर का पानी का घूंट भी नहीं पीनी। अरे बुढ़ा सो रहा, धीरे बोलो मेरा क्यों फजीता करवाओ तुम। अजीबा जी गुस्सा थूक दो, उम्र दराज हो रही तुम, तुम्हें तो पता आजकल की भूखों का, कैसे झूठी झूठी बातें बता के हमारे बीच में दरारें पैदा करवा रही। तुम्हारा आना देखो उसने बंद करवा दिया, आई तो नहीं तुम 2 दिन से यहाँ। हाँ तो देखो फिर समझो बात को। अब बाजी यकीन करियो मेरे मुंह से जो एक अल्फाज निकला हो तुम्हारे खिलाफ वो ही तुम्हारी बुराई कर रही थी। अच्छा? मेरा बुढ़ा मर जाएगा अगर मैं झूठ बोल लूं। अच्छा चल लगा फिर पान, तू कौन सा खाओगी जैमिनी या गुरु 300? गुरु 300 लगा तू। लो बाजी खाओ, लाओ मेरे हाथ से खाओगी तुम, मोहब्बत कम हो जानी। ले नफीसा तू बादाम खा, तेरा दिमाग वैसे ही कमजोर हो रहा, कभी तू सारी बातें भूल जावे। तू निरता बता बादाम खा के क्या बुराई है करी मुंह ने। सब बताऊंगी सब बताऊंगी, बस यही बादाम देती रहियो। अजी बाजी मुंह से निकली बात पर आई हो जा बस, तुम्हें मेरी कसम है अगर तुमने उससे जाके कुछ भी पूछा मेरी चाय बंद हो जाएगी वरना। ए तू चाय की फिक्र क्यों कर रही, तू मुझे सारी बात बता, रोज एक केतली में भिजवाऊंगी तेरे घर। बाजी यू कह रही थी कि इसकी लोंडिया इतना पैसा दे के जावे और 1 रुपया भी वो घर में खर्च नहीं करती। अच्छा हाय नफीसा ले और खा बादाम, और क्या कह रही थी बता। बाजी यू कह रही थी कि बुढ़ी रोज जावे रस्सा कूद के आवे छतों पे। अच्छा और जब काम करने की बारी हो तो यू कह दे कि मेरे गुड्डों में तकलीफ है, कि मेरे गुड्डों का रल्ला खत्म हो गया। यू बतावे इतनी ताकत है थारे में। ओहो देख ले बाजी कैसी हो रही बहुए, मुंह पे कुछ बाहर कुछ, वरना देख मुझे क्या पता तेरे घर की बातें। ले बता नफीसा ना, ले
हमें बता, हम तो दुश्मनों को बाहर ढूंढते फिर रहे, हमें क्या पता था हमारे दुश्मन घरों में ही है। हाँ, कुछ भी नहीं सकते ना, बिल्कुल भी नहीं। अब तो यो हाल हो गया नफीसा, बस धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, जा तू देख ले अपने बुड्ढे को जो पड़ा खाट पा। चलो स्टार्ट। अरे बख्तियार। ऐसा इग्नोर करके जा रहा हूँ। चलो आप आ गए। मुझे कल्लू बाजी आती है। आओ बाजी आओ, और फिर यू करिए यू। हाँ। लो बाजी खाओ, मेरे हाथ से खाओगी तो वरना मोहब्बत खत्म हो जाऊंगी तेरे घर। क्या बोल डैडी की तरह रोज एक पतीला। चल केतली सही है। चल ठीक है। केतली कह दी कुछ।